हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ भानु प्रताप सिंह, बाय प्रोफेशन आईबीसी बड़ा बिजनेस। आज मैं बात करूंगा ईएई, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर। जैसा कि नाम से ही समझ रहे हैं कि सभी कुछ एंटरप्रेन्योर के लिए, बिजनेसमैन के लिए, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, किसी भी तरह का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। तो आइए, ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर, द कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, फ्रेमवर्क, केस स्टडी, स्ट्रेटजी सीट। आज की डेट में जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो बिजनेस सिखाते हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते। आपको थ्योरेटिकल सब कुछ सिखा देंगे, थ्योरी में कैसा होता है, क्या होता है, सब कुछ बता देंगे, बट प्रैक्टिकली उन्हें कुछ बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता। इसी वजह से आज जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए दे के हम मैनेजमेंट के कोर्सेज कर लेते हैं, और जब इंटरव्यू के लिए दिए जाते हैं तो वहां पर पता लगता है कि हमारी वैल्यू बहुत कम लगाते हैं। वो कहते हैं 10,000 ले लो, 15,000 ले लो, 20,000 ले लो, क्योंकि जो स्किल उन्हें चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल जो चाहिए, वो उनके पास है नहीं। आज इंडस्ट्री को इस चीज की जरूरत क्यों है? आखिर क्यों ज्वाइन करना चाहिए इंडस्ट्रीज को, क्या रीजन है? आइए देखते हैं। टॉप 10 रीजन फॉर फेलियर स्टार्टअप विद फंडिंग। कितने रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टार्टअप फेल हो जाते हैं? रन आउट ऑफ कैश। हमने बिजनेस शुरू किया, शुरुआत में हमने बजट बनाया कि 5 लाख रुपए हमारा बिजनेस चलेगा, 5 लाख रुपए हमने लगा दिया, अब हमारे पास कैश बचा ही नहीं। जब हम माल बेचने गए, बाहर गए, तो पता लगा वो पैसा हमारा फंस गया, फर्नीचर में लग गया, कंप्यूटर में लग गया, ऑफिस में लग गया, इन सब चीजों में लग गया। बिजनेस मॉडल नॉट वायबल। हम उसी बिजनेस में लग जाते हैं जो बिजनेस चल रहा होता है, हर तरफ वही बिजनेस की धूम होती है, उसमें चल रहा होता है। क्या होता है, उस बिजनेस में रिसीजन आ चुका होता है या मार्जिन बहुत कम रह जाता है। चलता तो है, प्रोडक्टिविटी तो है, वॉल्यूम तो है, बट उसमें मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं। नॉट इनफ ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है। आउटकम डिटेड, आउट बाहर हो गया है बिजनेस से, लेकिन अभी लोग खींचे जा रहे हैं। लैक फाइनेंसिंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट। आपके बिजनेस में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि जब आपके पास कैश खत्म होगा तो कहीं से कहीं तो पैसा चाहिए ना, बिना पैसे के कैसे चलाएंगे? क्योंकि आज जो बिजनेस शुरू करते हैं, जो पैसा आप लगा देते हैं, उस पैसे के बाद अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी और पैसा नहीं है, तो बिजनेस बंद जब करेंगे तो आपका सारा का सारा पैसा, ऑलमोस्ट 90% पैसा डूब जाता है। कैसे डूबता है? आपने फर्नीचर खरीदा 1 लाख रुपए का, अब जब बेचने जाएंगे तो क्या 1 लाख रुपए का बिक जाएगा? कोई कहेगा 5,000 ले लो, कोई कहेगा 10,000 ले लो। कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कबाड़ में बेचना पड़ता है, तो वो सारा का सारा पैसा हमारा डूब जाता है। टेक्निकल प्रोडक्ट इशू। आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, बट उस प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी बहुत कम है। आज एक इंडस्ट्री है एलईडी लाइटिंग की। लाइटिंग इंडस्ट्री में देखिए, प्रोडक्ट तो बन गए, सभी ने बना दिया, आज वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, बट रिलायबिलिटी इज वेरी लो। रिलायबिलिटी जीरो या बहुत लो होने की वजह से बहुत कम प्लेयर सक्सेस हो पा रहे हैं, बहुत ब्रांडेड प्रोडक्ट भी नहीं चल पा रहे। नो मार्केट नीड, मार्केट में जरूरत ही नहीं, आप उस प्रोडक्ट को बनाए चले जा रहे हैं। बैड टाइमिंग, गलत समय पे आपने बिजनेस शुरू कर दिया। लैक ऑफ फोकस, आप बिजनेस कर रहे हो और कई जगह पे आपने हाथ लगा रखा है, आपका फोकस वहां पर है ही नहीं। प्राइसिंग कॉस्ट इशू, ये सबसे बड़ा इशू आज की डेट में है कि प्राइसिंग, आज चाइनीज मार्केट की होने की वजह से प्राइसिंग का हाल ये है कि आपकी लागत से कम में मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा होता है, जिस वजह से, ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से स्टार्टअप फेल होते हैं। बड़ा बिजनेस से क्या मिलेगा? बड़ा बिजनेस आज तक 1500 से ज्यादा कारपोरेट को ट्रेन कर चुका है। नाम देख सकते हैं लावा, ये चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हों, एनटीपीसी, आप नाम देख रहे हैं इसमें, एनटीपीसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एयरटेल प्राइवेट डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं, और ये सारे ब्रांड है, लावा, टाटा, हीरो, बैटको, एस्कॉर्ट, ये सारे ब्रांड है, एनएचपीसी, मारुति सुजुकी, इस तरह के ब्रांड्स को ट्रेनिंग दे चुका है, LIC। किसे ज्वाइन करना चाहिए?
यंग एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अभी बिजनेस शुरू किया है या बिजनेस कर रहे हैं, कि जो किसी भी तरह का बिजनेस करने की सोच रहे हैं, स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बिजनेस एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर आपके स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है स्टूडेंट? आज जो भी ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, आपने पढ़ाई करी होगी, आपने सीखा होगा अल्फा बीटा साइन थीटा गामा, ये आज की डेट में देखते हैं कहीं लगाने की जरूरत पड़ती है? आप अगर 20 साल पहले अपनी स्टडी खत्म कर चुके हैं, आज आप प्रोफेशनल हैं, जॉब में हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन साइंस की, इस मैथ की आपको जरूरत पड़ती है कहीं? नहीं जरूरत पड़ती। जरूरत किस चीज की पड़ती है? कॉमन सेंस की। कहते हैं एटीट्यूड और कॉमन सेंस आपका अच्छा है और आपके पास नॉलेज नहीं है तो भी काम चल जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा आज जितने भी स्टार्टअप्स हैं, बड़े बड़े टाइकून्स हैं, उन्होंने कभी एजुकेशन पर अपने ध्यान नहीं दिया, अपनी उस फंडामेंटल एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे टाइकून्स हैं जिन्होंने हजारों करोड़ में अपना बिजनेस पहुंचा दिया, हजारों लाखों करोड़ में अपना बिजनेस पहुंचा दिया, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा परंपरागत शिक्षा बहुत कम है, पारंपरिक शिक्षा बहुत कम है। तो स्टूडेंट्स अगर एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर से अपने आप को ट्रेन करते हैं, तो जब वो इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर एचआर को ये पता लग जाएगा कि इनके पास वो स्किल है जिसकी हमें जरूरत है। अगर आपके पास स्किल है तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी पे आउट मिलेगी। क्या मिलेगा आपको इससे? कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम फ्रेमवर्क, केस स्टडी, स्ट्रेटजी सीट। फ्रेमवर्क और केस स्टडी जब मिलेगी तो आप इसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, इंप्लीमेंटेशन का चांस होगा आपके पास। ऑब्जेक्टिव क्या है? बड़ा बिजनेस इज एन एडटेक कंपनी, एजुटेक कंपनी है, स्टार्टअप दैट प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड बेस्ट इन क्लास बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। आज की डेट में एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर पे हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इस पे केस स्टडी बना रही हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्पावर एंटरप्रेन्योर्स टू क्रिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट, टू प्रोवाइड इजी एंड अंडरस्टैंडेबल कंटेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, फंड रेजिंग। सोल्यूशन क्या क्या मिलेगा आपको? ब्रांड एंड प्रमोशन, बिजनेस ऑटोमेशन, बिजनेस को ऑटोमेशन पे कैसे ले जाएंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ये कोर्स 4 गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना चुका है। उनके प्रोग्राम्स जो चलते हैं यूट्यूब पे, 4 गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक प्रोग्राम बना चुका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि उनके कंटेंट को आज की डेट में हर जगह रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। 14 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके, 840 मिलियन ग्लोबल व्यूअरशिप है। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस चैनल है। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम में क्या मिला? वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, इजी टू अंडरस्टैंड कंटेंट इन हिंदी, 60+ बिलियनियर बिजनेस लीडर्स एज बड़ा बिजनेस प्रोफेसर्स। ये वो प्रोफेसर्स नहीं है जिन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को जीरो से लेके हजारों करोड़ तक पहुंचाया है। ये वो लोग हैं, ये वो सिखाते हैं आपको, क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकली उन्होंने समझा है कि क्या क्या बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती हैं। आप उनसे सीख पाएंगे। ऑनलाइन मोबाइल ऐप बेस्ड ट्रेनिंग है, ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस एंड कैरियर। आप अपने बिजनेस को और कैरियर को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। 264 प्रीमियम वीडियो विद टॉप बिजनेस मैनेजमेंट कंटेंट। 264 वीडियो मिलेंगे किनके? उन लोगों के जो आपको सिखा रहे हैं। और कौन लोग सिखा रहे हैं? जिन्होंने अपने बिजनेस को हजारों करोड़ पहुंचाया है। ये किसी सैलरी के लिए नहीं सिखा रहे आपको। इनके सिखाने का पर्पस क्या है? आज वो भी एक चीज से बहुत फेस करते हैं, क्योंकि स्किल्ड मैन पावर नहीं है उनके पास। आज नौकरियां नहीं है मार्केट में, बहुत नौकरियां हैं, बहुत जॉब पड़ी हुई है, लेकिन वो स्किल्ड मैन पावर चाहते हैं। वो चाहते हैं जो आए वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले। वो सिर्फ इसलिए ना आए कि 10 बजे आ गया और 5 बजे चला गया, इसलिए नहीं चाहिए। 5 डेज लाइव सेमिनार आपको मिलेगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ और उन बिजनेस प्रोफेसर्स के साथ जिन्होंने अपने बिजनेस को हजारों करोड़ तक पहुंचाया है। 24 लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन मिलेगा आपको। 2 साल का ये प्रोग्राम रहेगा। 25 बिजनेस स्ट्रेटजी और फ्रेमवर्क मिलेगा, पॉकेट फ्रेंडली एंड टेलर प्राइसिंग फॉर द डिफरेंट जनरेशन। की फोकस एरिया क्या क्या
सोल्यूशन मिलेगा। सेल्स एंड मार्केटिंग एक सबसे बड़ा पॉइंट है, सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आपके बिजनेस में सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है तो आपका बिजनेस बहुत स्मूथ चलेगा। सेल्स एंड मार्केटिंग में फोकस रहेगा आपका। यहां पर आप सीखेंगे सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे हैंडल किया जाए। टेक्नोलॉजी का सपोर्ट, एट प्रेजेंट क्या टेक्नोलॉजी चल रही है उससे आप अवेयर रहेंगे। CRM, ERP क्या चीज होता है। कस्टमर एक्सपीरियंस, हम कस्टमर पर ध्यान दे पाएंगे, समझ पाएंगे कस्टमर से एक्सपीरियंस हमें कैसे गेन करना है। बिजनेस स्ट्रेटजी, आप जो बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस के जो प्रिंसिपल्स हैं उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर पाएंगे। एग्जीक्यूशन और ऑपरेशन सबसे बड़ा चीज है, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि हम जान तो लेते हैं, ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन ना करें, ऑपरेशन में ना लाएं, तो वो हमारा ज्ञान बेकार है, किसी काम का नहीं होता। फाइनेंस एंड फंड रेजिंग, कहां से पैसा मिलेगा? आपके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए लोग तैयार क्यों होंगे? आप उनके पीछे भागते रहेंगे, वो मना करते रहेंगे। ह्यूमन रिसोर्स HR, एक सबसे बड़ा पॉइंट है, बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि अगर आपके पास स्किल्ड मैन पावर है, बहुत ही ज्यादा स्किल्ड लोग हैं जो प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं, तो बहुत आराम से आपका बिजनेस चल सकेगा। लीगल कंप्लाइंसेस, क्या कंप्लाइंसेस आती हैं बिजनेस में, ये सब कुछ रेडीमेड मिलेगा आपको, जिन्हें आप डाउनलोड करके अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। क्या इश्यू है आज की डेट में बिजनेस में? डिले इन पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर पेमेंट देर से करता है, 30 दिन बोलता है, 60 दिन तक नहीं देता। इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, कैसे हैंडल करेंगे कंपटीशन को? नेगेटिव कैश फ्लो क्या होता है? लो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी क्या है? आप हैं शॉप पर, ऑफिस में, तो काम हो रहा है, आप चले गए, काम कम हो गया, बंद हो गया। इंक्रीजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर आपने आज बिजनेस शुरू किया है और आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट आपने सेट किया कि ये मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट है, और लगातार अगर वो बढ़ती गई तो आपका फंड खत्म होता चला जाएगा और आपकी मार्जिन खत्म होते चले जाएंगे। लो कस्टमर रिटेंशन, आपके पास 100 कस्टमर आते हैं, 10 ही रुकते हैं, बाकी 90 चले जाते हैं। उसका रीजन क्या है, क्या कारण है, उन चीजों को आप जान पाएंगे यहाँ से। डिक्रीजिंग प्रॉफिट एंड मार्जिन, लगातार प्रॉफिट एंड मार्जिन घटता चला जा रहा है। हाई मैन पावर एट्रिशन, लैक ऑफ बिजनेस ऑटोमेशन, ऑटोमेशन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लिमिटेड कस्टमर रीच, लिमिटेड सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इंक्रीजिंग डे टू डे कंपटीशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? आप अपने इस बिजनेस को 10 गुना बढ़ा पाएंगे, कस्टमर तक ग्लोबली पहुंच सकेंगे, सोल्यूशन टू ऑल बिजनेस प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं उनका सोल्यूशन ले पाएंगे। रिडक्शन इन ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड को कैसे घटाएं, ओवरकम डे बाई डे बिजनेस चैलेंजेस, डे बाई डे जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कम कैसे करें। बेटर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि अपने बिजनेस में आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको समय नहीं मिलता, जिससे आप डिसीजन को डिले करते रहते हैं और आपका बिजनेस नीचे की तरफ जाता रहता है। इंक्रीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका टाइमली वापस नहीं आ रहा है। बिजनेस स्केल अप वाया बिजनेस ऑटोमेशन, कैसे स्केल करेंगे ऑटोमेशन के थ्रू। इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, अपने एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे। रिकवर मनी स्टक इन मार्केट, पैसा फंसा हुआ है तो उसको कैसे निकालेंगे। मोर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करेंगे। बेटर ब्रांड बिल्डिंग, अगर आपका ब्रांड बिल्ड हो गया तो बिजनेस चलाना आसान हो जाएगा। तो आप कम खर्चे में ब्रांड कैसे बिल्ड करेंगे। जनरेट न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू, नए सोर्सेस कैसे क्रिएट करेंगे। राइट मैन पावर हायरिंग, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज सेल्स, बिल्ड अ सक्सेसफुल स्टार्टअप, फास्टर अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ये हमारे कुछ प्रोफेसर्स हैं जिनका नाम आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, मनु जैन शाओमी के डायरेक्टर, RS सोडी अमूल के डायरेक्टर, ये जितने भी प्रोफेसर्स हैं, राजेश मेहता, ललित अग्रवाल, वी मार्ट के चेयरमैन, वी वेलुमनी थायरोकेयर के चेयरमैन, इस तरह के बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं। ये वो लोग हैं जो किसी सैलरी के लिए किसी के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए सैलरी दे दें तो भी आपको काम नहीं करने वाले आपके लिए, तो क्यों काम कर रहे हैं ये बड़ा बिजनेस के साथ। उसका सिर्फ यही रीजन है कि वो चाहते हैं कि इंडिया एम्पावर हो सके बिजनेस के लिए। आपको लगता है ये हजारों करोड़ के लोग ये किसी के लिए सैलरी के लिए काम करेंगे? सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए कि ये क्यों सिखा रहे हैं आपको। कस्टमर टेस्टिमोनियल, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर ज्वाइन किया
और उनका बिजनेस, ये अमित गुप्ता जी हैं एनके चेन्स प्राइवेट लिमिटेड के, इन्होंने 4 महीने के अंदर अपना बिजनेस 3 गुना बढ़ाया। ये कहते हैं दिस इज द बेस्ट एंटरप्रेन्योर कोर्स अवेलेबल इन इंडिया एट एवरी अफोर्डेबल प्राइस, वेरी अफोर्डेबल प्राइस। आफ्टर अटेंडिंग दिस कोर्स आई हैव लर्न हाउ टू क्रिएट मोनोपोली एंड बिल्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन द मार्केट। कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाएंगे, कैसे फ्रेंचाइजी क्रिएट करेंगे, कैसे डीलर नेटवर्क बढ़ाएंगे, ये सारी चीजें आप यहाँ पर जानेंगे। तो दोस्तों ये है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर। अब लोगों को लगता है, बिजनेसमैन को लगता है, मैं अपने बिजनेस में सक्सेस हूं, मैं क्यों इसको खरीदूं, क्या फायदा है मुझे लेने से। अरे रहने दो, बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे रहने दो ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। सर बोलने की बात नहीं है, इस चीज को खत्म करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुना के इस अपनी वाणी को विराम दूंगा। उससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि कैसा हो, क्या हो रहा है बिजनेसमैन के साथ। एक रेगिस्तान रहता है, एक परिवार चल के जा रहा है, बहुत प्यासे हैं सब लोग। आगे चलने पर एक हैंडपाइप दिखाई देता है, हैंडपाइप चलाते हैं, पानी नहीं निकलता, उसमें एक मग पानी रखा हुआ है और वहां पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है कि यदि आप इस पानी को इस हैंडपाइप के अंदर डाल के चलाएंगे तो पानी निकलेगा। अब पूरा परिवार आपस में ये डिस्कस कर रहा है कि यही इतना पानी है, हम पी सकते हैं या हैंडपाइप में डाल सकते हैं। बाद में डिसीजन ये हुआ कि इतने पानी से हमारा प्यास तो नहीं बुझेगी, लेकिन अगर इसमें से पानी निकल आया तो हमारी प्यास भी बुझ जाएगी, हम इस पानी को कैरी करके आगे के लिए ले भी जा पाएंगे। तो ये डिसीजन लिया जाता है कि पानी इसे हैंडपाइप में डाला जाएगा। पानी को हैंडपाइप में डाला जाता है, बहुत देर तक चलाते रहते। तो एक बुजुर्ग रहता है, वो कहता है कि चलाते रहो जब तक निकले नहीं। चलाते रहते हैं, हताशा निराशा भी होती है लेकिन वो चलाते रहते हैं और पानी, अंततः पानी वहां से निकलना शुरू हो जाता है। जब पानी निकलना शुरू हो जाता है तो सब खुश हो जाते हैं, सब ने अपनी प्यास बुझाई और पानी को आगे कैरी करके ले गए। आज का बिजनेसमैन भी यही सोचता है कि मेरे पास ये थोड़ा सा तो पानी है, इसको अगर मैंने हैंडपाइप में डाल दिया और पानी ना निकला तो। थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, वही उतना पानी है और अगर जब वो पानी खत्म हो जाएगा तो आप पानी कहाँ से लाएंगे। तो दोस्तों अपनी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं जरूर कि आपको अच्छा लगा खराब लगा, कमेंट जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भानु प्रताप सिंह आपके सुखद मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। थैंक यू।